गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBBS स्टेइंग एट होम स्टडी प्रोग्राम। हियर आई एम सरजीत कौर। दिस इज आवर साइंस लेक्चर फॉर क्लास फिफ्थ। फ्यू डे अगो वी हैव स्टार्टेड आवर फिफ्थ चैप्टर प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के बारे में हमने स्टडी किया था। इसमें हमने किया न्यू वर्ड्स के बारे में स्टडी किया, राइट। देन हमने सेकेंड सेशन में किया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। सीड्स के बारे में स्टडी किया कि कैसे सीड से प्लांट ग्रो करते हैं, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने किया जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। कहाँ से? वेजिटेटिव पार्ट से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, राइट। जैसे रूट से न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। देन हमने किया स्टेम से कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देन हमने लीव्स के बारे में स्टडी किया, राइट। आज हम करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, राइट। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यू नो दैट सम प्लांट प्रोड्यूस सीड वाइल अदर डायरेक्टली प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कुछ को होते हैं जो हम प्लांट से हमें सीड्स मिलते हैं, राइट, और कुछ के डायरेक्टली क्या न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सम बेबी प्लांट ग्रो नियर देयर पेरेंट प्लांट वाइल सम ग्रो ऑन पेरेंट प्लांट इट्सेल्फ। कुछ पेरेंट प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर जाते हैं वाइल कुछ इसके नीचे वाले पार्ट में कुछ प्लांट ग्रो कर जाते हैं। जैसे नीम के पेड़ के नीचे मोस्टली देखा जाता है, राइट। वहाँ पे ये जो पेड़ होते हैं, जो नीम का पेड़, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, राइट। जिट सम अदर ट्रेवल टू सो फार प्लेस टू ग्रो इनटू अ फुल फ्लीज्ड प्लांट एंड ट्री। कुछ सीड्स को क्या करना पड़ता है, सम को क्या, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है, वहाँ पे फुल फ्लीज्ड प्लांट और ट्रीज में ग्रो करने के लिए, राइट। लेट अस लर्न हाउ सीड्स ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस बिफोर दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फार ऑफ प्लेसेस कैसे जाते हैं, राइट, आज हम वो स्टडी करेंगे। कैसे पहुँचते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू पहुँचते हैं, राइट। सो सम सीड्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स स्प्रेड अक्रॉस वाइड एरिया विद द हेल्प ऑफ विंड वाटर एनिमल एंड थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रूट्स। कैसे सीड्स स्प्रेड होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से, राइट, वाटर की हेल्प से। अगर वाटर में हमने गिरा दिया वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चल जाएगा, राइट। वाइल एनिमल ले जाते हैं, राइट, एंड थ्रो एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की एक्सप्लोजन से, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ सीड्स स्प्रेडिंग अक्रॉस अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाते हैं, जो इस प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सीडिंग सीड्स स्प्रेडिंग अक्रॉस वाइड एरिया। वाइड एरिया पे जो सीड्स को स्प्रेड करने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, राइट। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हेल्प इन बेटर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की वहाँ पे बेटर सर्वाइवल होती है, राइट, मीन्स वहाँ पे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, राइट। If all the seeds from a plant fell on one place, अगर सारे के सारे जो seeds हैं एक ही जगह पे इकट्ठे गिर जाएं, गिरा दें हम उसको, then क्या होगा, there would be too many plants struggling to survive and use the same resources. अगर हमने एक bucket seeds के लिए एक ही जगह पे उसको fell down कर दिया, रख दिया सॉइल के ऊपर में, देन वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, राइट। देन उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, उनको वो प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगी और प्रॉपर वही रिसोर्सेस सब क्या करेंगी, यूज़ करेंगी। देन क्या होगा, डिस्पर्सल हेल्प टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एयर।
अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे वो प्लांट्स ग्रो करेंगे, कुछ डिस्टेंस के बाद दूसरा प्लांट होगा, देन वहाँ पे उनको जो एयर है वो यूनिफॉर्म मिलेगी, वाटर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल प्लांट्स, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो उनको यूनिफॉर्मली मिलेंगे, मीन्स एक जैसे ही मिलेंगे, राइट. ऑल्सो द सीड्स वर नॉट ट्रांसपोर्टेड बाई द एजेंट ऑफ द डिस्पर्जल. एजेंट मीन्स जो थे विंड, वाटर, एनिमल्स, इनको एजेंट कहाया हमने, राइट. वी कुड नॉट हैव सच अ वराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द डिफरेंट प्लेस. देन वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इस एरिया का जो प्लांट है वो कहीं दूसरे एरिया में हो, राइट. ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट. सो आज हम करेंगे एजेंट ऑफ द सीड डिस्पर्सल. कौन कौन से एजेंट है, मीन्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सीड को लेके जाते हैं, उसको क्या कह रहे हैं हम, क्या कहते हैं उनको हम, सीड एजेंट. क्या कहते हैं हम उसको, सीड एजेंट और एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, राइट. विंड, वाटर, एनिमल आर नोन एज द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, राइट. लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच सीड डिस्पर्स, राइट. कौन कौन से है, विंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन, राइट. दीज आर द फोर वेज थ्रू विच वन सीड कैन डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. सो कैसे, सीड डिस्पर्सल बाय विंड. विंड के द्वारा कैसे डिस्पर्स होते हैं सीड्स, राइट. सीड्स स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजली स्मॉल एंड लाइट. जो विंड एयर के साथ, विंड के साथ एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, देन वो सीड्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे एंड लाइट होंगे, राइट. सो जहाँ पे हम बात करें, एग्जांपल ले रहे हैं कॉटन की, राइट. कॉटन का जो सीड होता है, राइट. कॉटन एंड डैंडेलियन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर्स सराउंडिंग देम. इनके जो आपने देखा है ना, कॉटन तो सबने देखी है, जो नरमा होता है, राइट. उनके जो हेयर्स होते हैं वो बड़े बड़े हेयर्स होते हैं इनके आसपास में, राइट. दिस मेक इट ईजी फॉर द विंड टू कैरी द सीड अवे. ये इनको हेल्प करते हैं, जो इनके हेयर्स होंगे वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, राइट. सीड सच एज मैपल, ये देखो मैपल का सीड है ये, एंड ड्रम स्टिक हैव विंग्स अटैच टू दैम विच हेल्प दैम फ्लोट इन द एयर. इनके जो ये विंग्स हैं ये इनको एयर में फ्लॉट करने में हेल्प करते हैं, राइट. दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सीड डिस्पर्सल बाय विंड. यहाँ पे टू टू फोर हो गई हैं, राइट. सो दीज आर द फोर एग्जांपल्स थ्रू विच सीड कैन डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, हम अभी सेकेंड टॉपिक कर रहे हैं, सेकेंड करें. फर्स्ट तो हमने किया सीड डिस्पर्सल बाय विंड, सेकेंड हम कर रहे हैं सीड डिस्पर्सल बाय वाटर. कैसे वाटर के द्वारा होते हैं, सीड्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन और नियर फ्लोटिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर आर यूजली डिस्पर्सल बाय वाटर. देन जो प्लांट्स वाटर के अंदर जो नियर और उसके आसपास के एरिया में होते हैं, देन वहाँ पे जो सीड की डिस्पर्सल है वो कैसे होगी, बाय वाटर. फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ लिली, लॉटस, कोकोनट आर यूजली डिस्पर्स बाई वाटर. देखो यहाँ पे जो लॉटस का है, ये कोकोनट का है, ये कैसे डिस्पर्स हो गए यहाँ पे, बाई वाटर. वाटर कैरी दीज फ्रूट्स एंड सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस. वन प्लेस से बहुत दूर तक यहाँ पे वाटर फ्लो होगा, वहाँ तक वो क्या हो जाएंगे, कैरी करेगा उनको, राइट. लाइक वाटर लिली हैज स्मॉल लाइट सीड्स. वाटर लिली के जो स्मॉल स्मॉल सीड्स होते हैं, राइट, विच आर ईजली कैरीड टू डिस्टेंस प्लेस बाय फ्लोइंग वाटर. जो वाटर लिली है उनके सीड्स बहुत ही लाइट होते हैं, वो वाटर क्या करेगा, अपने साथ कैरी कर लेगा उसको, राइट. सिमिलरली कोकोनट फ्रूट होता है जो फ्लॉट बिकॉज इट इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड. कोकोनट का तो आपको पता ही है कि वो अंदर से खाली होता है,
राइट, एंड हैज़ अ फाइब्रस हस्क, जो इसका बाहर का आउटर पार्ट होता है वो कैसा होता है, हस्क का बना होता है, राइट। इसके मीन हस्क क्या होता है, जो फाइब्रस टाइप का इनके ऊपर में जो है कवर चढ़ा होता है, राइट। देयरफॉर इट इज़ ईजली कैरिड बाय वाटर टू द डिस्टेंस प्लेसेस, इसीलिए जो वाटर लिली है, लोटस है और कोकोनट है, इसको वाटर ईजली कैरी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स, एनिमल्स कैसे सीड्स को कैरी करते हैं, राइट। वी इंजॉय ईटिंग फ्लिशी फ्रूट्स सच एज मैंगो, पपाया, चेरी, गुआवा, ये सारे फ्रूट्स हम बहुत ही खाते हैं, राइट। एवरीवन, आई डोंट थिंक सो के ये कोई नहीं खाता, सारे बच्चों के सबके फेवरेट होते हैं, राइट। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स वी ऑफन थ्रो द सीड्स हियर एंड देयर, विच ऑल्सो हेल्प द प्लांट्स टू डिस्पर्स देयर सीड्स, हम जब खा लेते हैं फ्रूट्स को देन हम क्या करते हैं, सीड्स को संभाल के रखते हो, नो क्या कर देते हो, उसको थ्रो ऑफ कर देते हो, राइट, फेंक देते हो, कहीं कोई कहीं पे गिरा दिया, कोई कहीं पे गिरा दिया, राइट, कोई डस्टबिन में फेंक कर बाहर गिरा दिया, राइट। इससे क्या होगा, न्यू हेल्प, न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्प हो जाती है, कैसे, समटाइम वर्ड्स एनिमल्स ईट देयर सीड्स अलॉन्ग विद फ्रूट्स, वो कुछ जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो सीड्स को फ्रूट्स के साथ ही खा जाते हैं, देन क्या होगा, द सीड्स आर स्मॉल एंड हार्ड, थस आर थ्रो आउट फ्रॉम देयर बॉडी एज अ वेस्ट, जब वो खा लेंगे वो तो हार्ड होते हैं, वो तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, देन वो एज इट उनकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट की फॉर्म में वो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, राइट। सीड्स ऑफ गावा एंड बेरीज आर डिस्पोजल इन दिस वे, जो गुआवा के सीड्स होते हैं, वेरीज के सीड्स होते हैं, वो ऐसे ही थ्रो आउट होते हैं, राइट। सम सीड्स हैव स्पाइंस और हुक्स ड्यू टू विच दे गेट स्टक इन द क्लोथ्स और बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स स्पाइंस होती हैं, उनकी सीड्स होती है, वो वहाँ पे क्या होता है, वो बॉडी के साथ और क्लोथ्स के साथ चिपक जाते हैं, राइट। आप कभी किसी जो थ्रोनी टाइप का जो प्लांट होता है वहाँ से चल रहे होते हो, वॉक कर रहे होते हो, देन आपके क्लोथ्स पे भी लग जाते हैं, राइट। ऐसे ही एक प्लेस से वहाँ के सीड्स आप अपने घर तक ले आए और कहीं दूसरे प्लेस पे ले गए, देन वो क्या होगा, आपकी बॉडी के थ्रू और क्लोथ्स के थ्रू वो क्या हो गए, सीड्स वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे आ गए, राइट। सम फ्रूट्स है स्पेशल हुक लाइक स्ट्रक्चर दैट क्लिंग टू दे टू द फर और स्किन ऑफ एनिमल्स, राइट, हुक टाइप के होते हैं जो वो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, राइट। फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट लाइक गूस एंड ग्रास, एक्जेंथियम एंड यूरिना आर डिस्पर्सल इन दिस वे, ऐसे ही वो बॉडी के साथ चिपकने के बाद दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं, राइट। ये थी हमारे सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, राइट, कैसे वाटर एनिमल्स एंड विंड के थ्रू, राइट। सो दिस इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सो यहाँ तक हमारा जो है फिफ्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर था हमारा, प्लांट लाइफ, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए इसमें, पहला हमने किया था कौन सा किया था, न्यू वर्ड्स, पूरे चैप्टर के न्यू वर्ड के बारे में स्टडी किया था, देन हमने किया था रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट मेथड से, फर्स्ट कौन सा था, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, और सेकंड हमने किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, राइट, और एक टॉपिक हमने किया डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। यहाँ तक हमारा वीडियो लेक्चर हो गया कंप्लीट, देन अब हम करेंगे हमारा बुक वर्क। सो आपने अच्छे से इनको रीड आउट करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, राइट। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, थैंक यू।